लोकसभा चुनाव को लेकर जहां हरियाणा पुलिस एक्टिव मोड में है, वहीं रोहतक पुलिस भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आज सुबह एक्साइज व पुलिस की टीम शहर के L1 और L13 के गोदामों पर चेकिंग के लिए पहुंची और रिकॉर्ड की तलाशी ली। DSP रवि खुंडिया के मुताबिक लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही चेकिंग की गई है। लगभग 2 घंटे की कार्रवाई में रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 200 शराब की पेटियां कम मिली हैं। उनका कहना है कि रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, अगर कोई खामियां मिलती हैं तो गोदाम मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो इलेक्शंस के रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं उसके अनुसार सभी L1 L13 का निरीक्षण किया जा रहा है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का। तो सभी जितने भी L1 और L13 हमने उसमें तहसीलदार साहब और एक्साइज की जो टीम है उसके साथ मिलकर के निरीक्षण किया है और जो भी इसमें कमी या पेशी मिली है या मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खामियाँ तो जो पहले इनका स्टॉक था वो 210 एक पेटी शॉर्ट हैं, शॉर्ट मिली हैं, एक्सेस नहीं मिली। ये भी कहा जा रहा है कि एक्सपायरी डेट की जो शराब है वो बेची जा रही है, ऐसा अभी इसमें हमारे निरीक्षण में अभी ऐसी कोई शराब यहाँ एक्सपायरी डेट की नहीं मिली। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसीलिए प्रदेश के कई जिलों में आज एक्साइज की टीम के साथ पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।